हेलो माय डियर पेरेंट, माय डियर पेरेंट, आज हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी में द्विनाम पद्धत। द्विनाम पद्धत किस वैज्ञानिक ने दिया, क्या है द्विनाम पद्धत और द्विनाम पद्धत के क्या नियम है। और दोस्तों ये सारे डिटेल में डिस्कशन वीडियो के अंत तक करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपको न्यू वीडियो अपडेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों देखिए दोस्तों, द्विनाम पद्धत क्या है। सबसे पहले द्विनाम पद्धत क्या है हम आपको बताते हैं। द्विनाम पद्धत जो होता है, इसके अनुसार जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है दो शब्द से मिलकर बना होता है। नंबर एक वंश और दूसरा होता है जात। अब एक चीज और बताते हैं दोस्तों, आप यूपी बोर्ड से भले ही हो, आपको इंग्लिश जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आज के डेट में इंग्लिश का बहुत ही महत्व है, हर एक शब्द का इंग्लिश आपको पता रहेगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए द्विनाम पद्धत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइनोमियल सिस्टम। द्विनाम पद्धत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइनोमियल सिस्टम। किस वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धत दिया था दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट आता है किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो आप बताया उनसे कि एक वैज्ञानिक थे कैरोलस कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धत के बारे में बताया था। दोस्तों उन्होंने बताया कि द्विनाम पद्धत के अनुसार प्रत्येक जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है दो शब्द से मिलकर बना होता है। नंबर एक वंश, जिसे इंग्लिश में जीनस बोलते हैं, और दूसरा जात, जिसे इंग्लिश में स्पीसीज बोलते हैं। वंश को इंग्लिश में मैंने आपसे बताया जीनस, और स्पीसीज को मैंने आपसे बताया जात को स्पीसीज। ठीक, ये चीज ध्यान देना। देखिए ये चीज तो हुआ, इसके नियम क्या क्या है मैंने आपसे पहले सबसे पहले डिफाइन आपको किया। द्विनाम पद्धत मैंने बताया आपसे, प्रत्येक जीव जितने भी जीव हैं उनका वैज्ञानिक नाम जो होता है दो शब्दों से बना होता है। नंबर एक वंश, दूसरा जात। इसके द्विनाम पद्धत के वैज्ञानिक कौन है, द्विनाम पद्धत के वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लिनियस। और एक चीज और ध्यान देना दोस्तों, इसके नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। नियम क्या क्या है देखिए, इसके पांच नियम है दोस्तों। देखिए क्या क्या है, जीव का नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए। लैटिन भाषा क्या होता है अभी हम उदाहरण के साथ आपको बताएंगे लास्ट में। जीव का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए। जीव का पहला शब्द वंश का व दूसरा शब्द जात का होता है। जीव का नाम को जो जीव का वैज्ञानिक नाम होता है तीसरे अक्षरों में लिखा जाता है, और वंश का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में तथा जात के प्रथम अक्षर अंग्रेजी के छोटे अक्षर के रूप में लिखा जाता है। ठीक, देखिए क्या एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं दोस्तों, आपको और समझ होगा क्लियर। जैसे मैं आपसे कहूं आम का वैज्ञानिक नेम क्या है, मैंने आपसे कहा आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बताइए उनसे कि आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है मैगीफेरा इंडिका है। हिंदी में मैगीफेरा इंडिका। अब देखिए जो नियम है, जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है लैटिन भाषा में होना चाहिए। पहला शब्द वंश, दूसरा शब्द स्पीसीज मतलब जात को वर्णन करता है। जैविक नाम को तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। वंश का प्रथम अंग्रेजी, देखिए यही है मैगीफेरा इंडिका है,
तो ये जो पहला लेटर है, पहला लेटर यम है, यही कह रहा कि पहला जो लेटर होना चाहिए पहला अंग्रेजी का बड़ा होना चाहिए जो वंश को वर्णन करता है। मैगी की फेरा इंडिका, मैगी फेरा इंडिका, मैगी फेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। ऐसे ही कैट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये सारे जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में हम सारे जितना भी जीव का वैज्ञानिक नाम होता है वहां पे हमने लिखा है, आप वहां से जाके नोट कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश की जरूरत, वोकैब की जरूरत है तो वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हुए और फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन हुए, वहां से आप अपना वोकैबुलरी का जो मैं डेली एक द हिंदू का वोकैब आपको प्रोवाइड करूंगा वहां से आप लर्न करिए, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों देखिए मैंने आपसे जो भी बताया कि ये क्या है, सबसे पहले मैंने एक बार क्विक रिवाइज करते हैं मैंने क्या आपसे बताया। द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं, इसके अनुसार प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से बना होता है, नंबर एक वंश, दूसरा जात। द्विनाम पद्धति किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया। और दोस्तों मैंने क्या बताया, द्विनाम पद्धति के नियम, प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नेम लैटिन भाषा में होना चाहिए, प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नेम का जो पहला अक्षर वंश और दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है, प्रत्येक जीव का जो वैज्ञानिक नाम है इटैलियन में तीसरे अक्षरों में लिखा जाएगा, और वंश का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में तथा जात के प्रथम अक्षर इंग्लिश के अंग्रेजी के छोटे लेटर में लिखा जाएगा। यही था द्विनाम पद्धति दोस्तों, आई होप आपको समझ गए होंगे दोस्तों। और एक पॉइंट और दोस्तों, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है दोस्तों। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये हमारे बोर्ड में क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा इस पर दोस्तों, अगर बनेगा जो आपको 5 नंबर दिला सकता है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, इस तरह से वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां पे लिंक है, कई लिंक है, हमारे टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक का पेज जो है हमारा, वहां पे डेली एक बुक है द हिंदू से हम प्रोवाइड करते हैं जो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ एंटोनिम्स भी होता है, सिनोनिम्स भी होता है और उसका एग्जाम्पल भी होता है। ये सारे पॉइंट आपको नोट करके रखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।